रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूं फैसल अली 2005 का एक ऐसा गैरमूली विज़िट जो तुर्की के अंदर हुआ था पाकिस्तान की उस वक्त के वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी का वह उनकी इसराइली वजीर ख़ारजा से उस वक्त मुलाकात हुई थी इस पर मैं डिटेल आपके सामने रख चुका हूँ कि सबक़ सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ़ अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इस चीज़ का अतराफ़ कर चुके हैं कि वो विज़िट उन्होंने मैनेज करवाया था अब इस वक्त जो पाकिस्तान की ट्विटर पर एक डिबेट है जो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर ट्रेंड्स चल रहे हैं दो ट्रेंड्स और इन ट्रेंड्स में सबसे ज़्यादा क्रिटिसज़म अहमद क्रेशी पर हो रहा है और कुछ देर तक वो टॉप ट्रेंड भी रहे इस दौरान हमने जब इस तमाम तरचीज़ को डप्स देखा कि दरअसल हो क्या रहा है तो उसमें एक बार फिर डॉक्टर शीरी मज़ारी और अहमद क्रेशी के दरमियान वार ऑफ वर्ड्स देखने को मिली फिर इस सबके बीच में कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बिलखस डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, जो बड़े इम्पोर्टेंट बंदे हैं इस मामर मामले में वो क्यों है वो आगे चलकर आपको बताता हूँ इसराइल के कंटेक्स में स्पेशली उनका एक ट्वीट भी आ चुका है इस वक्त अहमद क्रेशी के मामले पर इस वीडियो में ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि जो डी जी आई एस पी आर को मैंशन करके डॉक्टर शीरी मजारी ने ट्वीट्स किए और अहमद क्रेशी के हवाले से उनके लिंक्स उनके साथ जुड़े इस पर एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन दिया है अहमद क्रेशी ने इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है वो तमाम लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगा रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि शेरि मजारी ने अहमद क्रेशी के एक ट्वीट का रिप्लाई किया था कि खुर्शीद महमूद कसूरी जिन्होंने दो के सप्तम्बर में एक इम्पोर्टेंट विज़िट इस्तुल का किया था और वहाँ इसराइली वज़ी खारजा से इनकी मुलाकात हुई थी तो इस बारे में इन्होंने वादे किया कि ये वो विज़िट जो है वो उन्होंने इसराइल का नहीं किया था और उस वक्त शेरि मजारी के मुताबिक उन्होंने द न्यूज़ के अंदर कुछ कॉलम्स लिखे थे और जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ़ की हुकूमत की जानब से इसराइल के साथतें बढ़ाने के हवाले से चीज़ें हो रही थी उसकी मजम्मत की थी इनका एक ट्वीट कुछ यूँ है कि कसूरी नवर विजिट इसराइल लाइक यू you have done second don't lie uh, presently saying i kept quiet when kasuri met israeli foreign minister at an international moot i actually wrote on it in the news international first week of september and as dg isi also i also criticized musharraf government on dr aq khan and sun refugees तो कुछ दीगर चीज़ों का भी इन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि देखिए मैंने इस पर दी न्यूज़ इंटरनेशनल में आर्टिकल्स भी लिखे और तरदीद भी की मजम्मत भी की इन तमाम तर चीज़ों की तो इसका फिर जवाब आया है इस वक्त का अहमद कृषि की जान से वो कहते हैं कि कसूरी उस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा थे मैं नहीं था और मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप जो है अपने इस इंतहाई मुंतशर मजात जो आपके ये ट्वीट्स हैं इंतहाई जो है वो इंतशार पर अपनी ये ट्वीट्स जो हैं आप इनसे स्ट बैक करेंगी आपने गवर्नमेंट के लिए काम किया था यू वर्क फॉर अ गवर्नमेंट रेट इस्ट फर्स्ट पाकिस्तान इसराइल डिप्लोमेटिक कंटेक्ट इन टू थाउजेंड फाइव यानी मुशरफ की गवर्नमेंट के अंदर इन्हें काम किया था यू डिड नाट रिज़ाइन स्टॉप हेपोक्रेसी उस वक्त आपने रिज़ाइन नहीं किया था इस माम मामले पर इस वक्त अगर आप पाक इसराइल रिलेशन पर अपने रिजर्वेश दिखा रही हैं रिजिस्ट कर रही हैं इस माम मामले की मुखालफत हैं तो उस वक्त आपने रिज़ाइन क्यों नहीं दिया था जब आप मुशर्रफ़ की हुकूमत का हिस्सा थी तो वाज नज़र आ रहा है कि इस इंतहाई अहम त्रीन ट्रिप के अंदर अहमद कृषि जहाँ मौजूद थे जब पर क्रिटिसज हो रहा है तो ये इन्होंने जवाबन शेर हमजारी को ये वाज किया कि आप की इस वक्त की जो बयानियाँ जो है वो हेपोक्रेसी पर मुश्तमिल है ये एक, एक दोगलापन है और उसकी वजह यह है कि उस वक्त आप हुकूमत में रहते हुए उस हुकूमत का हिस्सा रहीं जो इसराइल के साथ तालुक नॉर्मलाइज करने वाली पाकिस्तान की पहली हुकूमत थी जो इनिशिएटिव ले रही थी उस वक्त आपने रिज़ाइन नहीं किया अब आप आकर बात कर रही हैं इस मामले पर फिर अनिला अली जो इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ करवाने वाली हैं इनकी डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट्स हैं जो इन स्पेसिफ़िकली पाकिस्तानी अमेरिकन पीस मेकर्स को लेकर इन्होंने किया कि देखिए पाकिस्तानी अमेरिकन जो पीस मेकर्स हैं उनके हवाले से जिस तरह की नफरत आमेज़ रवैया है आपका ये एक एंटी पाकिस्तान बिहेवियर है हम अमरीकी पाकिस्तानी होने के नाते आ, अपनी फ़ौज से भी प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारी फौज हमारे मुल्क की हिफाजत करती है आ, कोशिश कीजिए कि मुहब वतन रहें अपने मुल्क की और अपने फौज के साथ ये कहा अनिल अली ने शरम जारी की उस ट्वीट का रिप्लाई जिस में जिसमें उन्होंने न्यूट्रल्स पर तनकीद की और आई एस पी आर के आ, ट्विटर अकाउंट को मैंशन करके कहा कि देखिए अहमद कृषि जो है वो इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इमरान खान की इसकी इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी को और इसके ताने बाने आपके साथ मिलते हैं और आप हमें कॉर्नर से मत लगाइए ये वो ट्वीट्स अब फिर ज़ाहरा कि सिलसिला रुका नहीं है और अहमद क्रेशी ने उसी ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें आई को मैंशन किया गया डॉक्टर शेरम जारी की जान से और ये कहा गया वाज धमकी दी गई कि आप जो है वो हमें कॉर्नर से ना लगाएं हम हमारे सीने में जो राज हैं वो वो मंजरेआम पर ले आएंगे जिसकी डिटेल मैं गुजतः वीडियो के सामने मैं आपके सामने रख चूँगा अब इस पर अहमद क्रेशी कहते हैं कि शरी मज़ारी ने डायरेक्टली पाकिस्तान की फ़ौज को धमकी लगाई है अपने ही तैयार करदा जूठे बेबुनियाद कहानी की बुनियाद पर कि मेरा ट्रिप जो है बतौर साहफ़ी जो इसराइल का मैंने किया वो गवर्नमेंट और फ़ौज की जानब से Uh, उसमें कोई तावन था या वो लिंक्ड था या उनकी जान से सपोर्टेड था इन्होंने ये लिखा कि डॉक्टर शेरी जारी डायरेक्टली थर्टन्स पाकिस्तान मिलिट्री बेस्ड ऑन हर ऑन मैन्युफैक्चर्ड फॉल्ट स्टोरी दैट माई ट्रिप एज अ जर्नलिस्ट टू इसराइल इज लिंक्ड टू गवर्नमेंट प्लस मिलिट्री एब्सोलुटली नो लिंक नॉट इवन प्रॉयर नॉलेज प्लीज ऑफ एविडेंस ऑफ दिस इन्वायरमेंट आर अपोलेजाइज क्या आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जो हमने ट्रिप इसराइल का किया मैंने बतोरे सहाफ़ी इसमें मेरे लिंक्स फौज और हुकूमत के साथ थे ये टोटली बेसलस है और अगर इसके आप सबूत नहीं पेश कर सकती तो आप इस पर माजरत जो है वो पेश करें माफ़ी मांगें ये इम्पोर्टेंट और आ, फिर जाहिर है कि ये क्रिटिसाइज़ इस वक्त जब हो रहे हैं ये ट्रेंड माना अहमद कुरैशी ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा है बिल्कुल उस पाकिस्तान तहरीक के फॉलोअर्स जन से बहुत ज़्यादा इन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया इनके हमारा जितने भी लोग थे उसमें जाहिर है कि सबक हुकूमत के लोग पेश पेश रहे शेरम जारी ख़ुद पेश नहीं इस मामले को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फॉलो किया ख़ुद ही वो उन्होंने हाई किया तो मामला फिर ट्विटर के ट्रेंड तक पहुँचा अभी अहमद क्रेशी फिर रिप्लाई करते हैं कि इसमें इनने ये कहा कि देखिए बदकस्मती से आप लोगों ने इस एक बेहतरीन जमात को एक सर्कस बना दिया है बेबुनियाद और झूठ पर मबनी कहानियाँ गढ़ते हुए लेकिन मैं कभी भी आपके मैार पर आकर इन चीज़ों को रिएक्ट नहीं करूँगा मैं इमरान खान की रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी पॉलिसीज़ का नाक़द हूँ लेकिन कभी भी आपके लेवल पर नहीं आऊँगा ये शेर हम को उन्होंने तनकीद करते हुए लिखा तो ये अभी तक की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस मामले पर क्योंकि पाकिस्तान के ट्विटर पर ट्रेंड बना तो बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ नहीं थी क्योंकि कंटिन्यूसली हम इस चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो हमने आपके सामने एक चीज़ रख इसमें कुछ चीज़ें वाज नजर आ रही हैं जिस तरह से पाकिस्तान और इसराइल के मामला पर इस ट्रिप को लेकर चीज़ें प्रजेंट की जा रही हैं उन मखसूस लोगों की जान से जो इस ट्रिप पर गए तो जो इंडिकेशन्स हमें जनरल मुशर्रफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिलती हैं जो वो एक सोच स्टिल मौजूद है उस पर काम हो रहा है ये बखूबी अब बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है अब बहुत अहम डॉक्टर मोहित पीजादा बड़े इंपॉर्टेंट एंकर पर्सन जिनके बारे में ये भी बताया जाता है कि जब इमरान खान के साथ सहाफ़ियों का इंट्रक्शन था उस वक्त उन्होंने इसराइल के साथ तल्लक नॉर्मलाइज़ करवाने के आलसे को मशवरा दिया था ये वो थे या मुबरल्लुकमान थे या अमद क्रेशी थे यही तीन चार लोगों के बहुत ज़्यादा बात करते लेकिन इस वक्त इंट्रेस्टिंग ये है अहमद क्रेशी तो ख़ुद इसक्रिप्ट पर मौजूद थे मुबेशमान खामोश हैं मोहीद पीरजादा का अभी ट्वीट सामने आया आज दिन के रोज़ जिसमें उन्होंने कहा कि हेमंत कृषि बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है उनका ये ट्रिप जो है वो टोटली इस चीज़ से हट है जो इस शायद रजीम चेंज का मामला पीटीआई गवर्नमेंट हाईलाइट पीटीआई पार्टी हाईलाइट कर रही है और इस तमाम चीज़ से हट कर उनका ये एक ट्रिप है और ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है तो उनके ट्वीट्स के अंदर जो वर्ड्स थे वो बड़े ही नॉर्मलाइज नज़र आ रहे थे तो फिर डॉक्टर मोहित मोहित पेजादा आ, फिर कामरान खान भी उन लोगों में जा रहा है उनका शुमार होता है अहमद क्रेशी और फिर मुबशर लुकमान डेफिनेटली इन लोगों को उस लॉबी का हिस्सा समझा जाता है या उस आ, ग्रुप का हिस्सा समझा जाता है जो पाकिस्तान इसराइल नॉर्मलाइजेशन पर काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के हामी भी हैं तो अब आहिस्ता आहिस्त बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है फर्दर डेवलपमेंट्स आपके सामने जरूर रखेंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं अल्लाह हाफिज़